सनातन धर्म में दशहरे का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि दशहरे के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने लंकापति रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी, तभी से दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला समेत रावण का दहन किया जाता है और इसी दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का विसर्जन भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन कई दुर्लभ संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसका असर राशि चक्र के 12 राशि के जातक पर सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगा। दशहरे के दिन बन रहे दुर्लभ संयोग से कुछ राशि की किस्मत बदल सकती है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं हैं उस राशि में शामिल। दरअसल अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि इस वर्ष दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा और दशहरे के दिन ज्योतिष गणना के अनुसार दो अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शनि और शुक्र क्रमशः सस राजयोग का निर्माण तथा माल्यव राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका असर वृषभ तुला और मकर राशि के जातक को अधिक देखने को मिलेगा। सनातन बंधु, 3 अक्टूबर से नवरात्रि महापर्व आरंभ है। 12 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। नौमी युक्त विजयादशमी का यह पर्व ग्रहों के दिव्य संयोग से 3 राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी है। ऐश्वर्य संपत्ति के दाता शुक्रदेव इसी दिन अपनी राशि तुला में विराजमान है, तो वहीं युगाधीश्वर श्री शनिदेव अपनी राशि कुंभ में विराजमान है। शुक्रदेव जहां मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वहां शनि की चाल भी शस्य राजयोग का निर्माण कर रही है। यह दोनों ग्रह वृष राशि, तुला राशि और मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ है। इसका लाभ कुंभ राशि के जातकों को भी मिलेगा, किंतु तुला राशि के जातकों के लिए यह विशेष फलदायी है। यह दिव्य संयोग, इसका लाभ इन 3 राशि के जातकों को अवश्य मिलेगा।